जिंदगी जब तक तुझको समझा, मौत फिर क्या चीज है, ए वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज है। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भारत ज्ञानक्षर प्रस्तुत एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। देश के लिए शहीद हुए जवानों का पराक्रम सदैव प्रेरणादायी है। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें नई राह दिखाई है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे ही युद्ध एक नया पाठ पढ़ा रहा था। हर दिन एक अलग कहानी थी जो हमारे वीरों के खून से लिखी जा रही थी। आज एक नई खबर और शहीद की शहादत को नमन करने के लिए हम उनकी कहानी प्रस्तुत करेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हमने देखा कि कल 8 जुलाई 1999 को कुंकरथांग पर लंबे समय से चल रहे हमले को एक बाई 11 गोरखा राइफल द्वारा शुरू किया गया था। बहुत बड़ी मात्रा में बंदूकें और गोला बारूद सैनिकों तक पहुंचाए जा रहे थे। इतने संघर्ष और सैनिकों की मेहनत के बाद 8 जुलाई को कंपनी ए ने पॉइंट 4821 पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी तोपखाना से आ रहे थे गोलीबारी के बावजूद टुकड़ी डी कंपनी रिंग कुंटर को सुरक्षित करने में सक्षम रहे। यह दोनों दुश्मन ठिकाने कुंकरथांग चोटी के रास्ते में थे। 9 जुलाई की सुबह कुंकरथांग चोटी, जो कि कठिन दिखाई देती थी, वहां से दुश्मनों के सभी ठिकानों को साफ कर दिया गया। शत्रु उनमें से अधिकांश जमीन खाली कर भाग गए थे। इसी दिन सुबह जल्दी ही 2 नागा रेजिमेंट के 2 ट्वीन बम्स पर अपना कब्जा कर लिया था और वहां से पाकिस्तानियों को भगा दिया गया था। इन सारे कब्जा की हुई चोटियों की जांच करते हुए हमारे सैनिकों को बहुत सारे पाकिस्तानी हथियार मिले एवं कई सारे पाकिस्तानी सैनिकों के शव भी मिले। अभी भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा सुलह की बात चल रही थी, लेकिन यह बात अभी बाहर मीडिया में नहीं आई थी। मीडिया में अभी थोड़ा सा स्थिरता का माहौल था कि भारत के वीर जवान अपनी मातृभूमि को बचा रहे थे और पाकिस्तानियों को भगा रहे थे। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे वीर जवान की जिन्होंने अपना नाम सार्थक किया, हीरा, और जिन्होंने अपना वादा भी पूरा किया दुश्मनों को मारे सिवा घर नहीं लौटूंगा। किरौली जिले के मुकुंदपुरा गाँव वासी हीरा 84 रेजिमेंट के सिपाही कम टेलीफोन ऑपरेटर पद पर तैनात थे। वह 20 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती हो गए थे। उनके भीतर देश सेवा की भावना प्रबल थी। यही कारण था कि वह बात बात में पाकिस्तान को ललकारते और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की बात करते थे। कारगिल संघर्ष के दौरान उन्हें यह मौका हाथ लगा था। उन्होंने मोर्चे पर दुश्मनों से जमकर लोहा लिया और लड़ते हुए शहीद हो गए। वे अपने माता पिता के संतानों में सबसे छोटे थे। उनका बड़ा भाई उपेंद्र भी आर्मी में ही थे। घर में फौजी वातावरण रहा और गांव में भी। इसका असर हीरा पर गहरा पड़ा। गांव के 4 नौजवान फौज में थे। हीरा भी उनसे प्रेरित होकर फौज में आए थे। उनकी माता पिता की इच्छा फौज में नहीं भेजने की थी, लेकिन उनकी जिद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। शहादत से 3 माह पूर्व हीरा जब छुट्टी पर गाँव आए थे, तभी उनके पिता भाग्यमल ने उनसे कहा था, बेटा फौज की नौकरी छोड़कर यही कुछ काम धंधा कर लो। लेकिन हीरा ने पिता के सुझाव को सिरे से नकार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद घर ही तो आऊंगा। इस वक्त उनकी पत्नी ने उन्हें ईमानदारी से नौकरी करने की सलाह दी थी। घर से लौटकर हीरा मोर्चे पर तैनात हो गए और वहां लड़ते हुए शहीद हो गए। अपने वादे के अनुरूप दुश्मनों को ठिकाने लगाने के बाद ही घर लौटे, वह भी शहीदी का बाना धारण करके। इस प्रकार एक वीर जवान ने अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि पर त्याग किया। ऐसे ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे यानी भारत ज्ञानक्षर के साथ। हर रोज एक शहादत की कहानी और कारगिल की रणभूमि एवं राष्ट्र में क्या हो रहा था उसकी खबर के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।